नमस्ते, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और माता रानी से यही प्रेयर करूंगी नवरात्रि के अंतिम दिन पर कि हम सब सही के साथ जाएं, गलत के साथ नहीं, हमारे सोच भी सही हो और हम सब सही रास्ते पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं कृष्णादास फिर से आई हूँ आप लोगों की स्वागत करने बालाजी हिंदी टैरोट में। मैं आज लेके आई हूँ एक नो कांटेक्ट का रीडिंग जो होगी 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक की। 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन वाले सिचुएशन में हैं उनके लिए मैं रीडिंग करूंगी आज। मैं सोच रही थी कि आज रीडिंग ना करूं क्योंकि आज महाअष्टमी भी था और हमने पूजा वगैरह भी की है, लेकिन कुछ लोग नो कांटेक्ट के लिए बहुत बोल रहे थे तो सोचा ठीक है कुछ रीडिंग तो कर ही सकते हैं उन लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा देर से अपलोड हो रहा है होगा आज का रीडिंग। बहुत देर से बैठी हूँ मैं, जबकि आप ये रीडिंग अपलोड होगा तभी आप सोचिएगा कि तभी बनाई और तभी मैंने इसको अपलोड किया। तो जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आपका नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, ये रीडिंग आप सिंह राशि के जो भी लोग हैं ये रीडिंग आप 12 से लेके 18 अक्टूबर तक इसे देख सकते हो। देखेंगे पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन जिन लोगों का चल रहा है। देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट का क्या, नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन है या लो कॉन्टैक्ट है, जो भी है खास करके नो कॉन्टैक्ट पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें नो कॉन्टैक्ट ही है स्थिति सही नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो वैम्पायर एम्परर चैरियट, बहुत बढ़िया, दो दो मेजर अर्कना के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ सोर्स के कार्ड। दिल खुश हो गया बहुत दिन बाद, मतलब लियो को खुश होने का मौका मिल रहा है। लियो बहुत कम खुश होते हैं, दुखी रहते हैं ज़्यादा, खास करके लियो की रिलेशनशिप में, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे लव रिलेशन में हो। द एम्परर द चैरियट एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पर्सन है बहुत तो कोशिश किया उन्होंने खुद को रोकने की, खुद की अपने आप को रोक के रखने की, अपने दबदबा दिखाने की, अपने पोस्ट अपनी पोजीशन का जो स्थिति है उसे दिखाने की या फिर आप, लेकिन फिलहाल कार्ड में उनके तरफ से पढ़ रही हूँ तो मैं ये कहूँगी ये उतना करके भी कुछ नहीं कर पाए, मतलब बहुत दौड़े फिर भी गिर गए। ये बंदा या बंदी अभी रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कहूँ, दोबारा चांस कहूँ, एक्शन लेना कहूँ, ये जो भी करके रिश्ते सही होंगे ऐसा कुछ सोच रहे हैं। करंटली ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, इन्होंने बहुत कोशिश किया अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की, अपने आप को, अपना जो हम सब में जो एंग एंड यंग की एनर्जी होता है, मतलब हम ही मेल फीमेल का एनर्जी हम लोग कैरी करते हैं, ये अलग लेवल का हो गया बात, मतलब अपने एनर्जीज को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया, खुद को हील किया, कोशिश किया होगा इतने दिनों से कि चीज़ें उनकी तरीके से सही हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है।
जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी रिश्ते को दोबारा मौका भी देना चाहते हैं और रिश्ते में एक्शन लेना भी चाहते हैं। आपकी वजह से ये दुखी है, परेशान है, नींद खराब है। इन्होंने तो बहुत सोचा था कि भाई मेरे पास ये है वो है, जो ऑपोजिट वाला जो बंदा या बंदी है उन्हें मेरे तरफ आना ही पड़ेगा, लेकिन क्या हुआ, ये चेंज हो गया और वो रुक के रह गया और ये इंतज़ार करते रह गए। अभी ये पर्सन जो है लियो, आपके जो पर्सन है वो मौका देना चाहते हैं रिश्ते को और खुद से एक्शन लेना चाहते हैं। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, मंदिर मस्जिद जा रहा है और उनको ये तकलीफ भी हो रहा है कि लियो के तरफ से तो कोई एक्शन नहीं हुआ और उल्टा दिन जो थे वो खराब हो गया। इस बात से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हम देखेंगे कि ये आगे चल के क्या चाहते हैं लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स हैं, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे आपके पर्सन क्या चाहता है। ईगो दिखाने से कुछ नहीं होता है, वो एक दिन आता है जब ईगो सारा ईगो कहाँ चला जाता है, उस मिट्टी में या अग्नि में या वायु में। हम जो पंच तत्व से बने हुए इंसान हैं उसमें हम विलीन हो जाते हैं। तो ईगो को कम, जितना हो सके कम दिखाया करें हर कोई। देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ, या फिर लियो आप खुद भी कर सकते हो ऐसा, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लियो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में है। अभी आपके जो पर्सन है मुझे लगता है वो बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक पाना चाहते हैं या देना भी चाहते हैं, क्योंकि हाँ वो दुखी थे, परेशान थे, तब उनको वो चीज़ पता चला कि भाई तुमसे अच्छा कौन है। आपकी कदर उनको हुई, वो समझ पाए कि आप कितने मतलब अच्छे इंसान हो, कितने अच्छा सोच रखते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के कार्ड, अचानक से उनमें ये परिवर्तन आया है कि चीज़ें जैसा ये सोच रहे थे, जैसा समझ रहे थे वैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान आगे चल के भी हो रहे हैं, ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उनमें ये परिवर्तन आएगा कि भाई मुझे उस तरीके से सोचने से काम नहीं चलेगा, मैं जिस तरीके से इस बंदा या बंदी को सोच रही हूँ, देख रही हूँ, असल में हो सकता है ये ऐसा है ही नहीं, मेरा सोच गलत है। तो ये बैलेंस करना चाहेंगे रिश्ते में और ये सोच उनमें अचानक से आएगा। बहुत दुख, बहुत दर्द, मैंने कहा कि बिना नींद के लेटे लेटे यूनिवर्स से मदद मांग रहा है, लेकिन फिर भी उनमें ये समझदारी जरूर आ रहा है कि मैंने जिस बंदा या बंदी से रिश्ते को किनारा किया या नो कांटेक्ट या ऐसी सिचुएशन में रिश्ते को लेके आ गए, एक्चुअल में वही पर्सन मेरे लिए सही पर्सन था। तो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आगे चल के। लियो, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। आगे देखेंगे अगर ये एक्शन लेता है, क्योंकि ये तहे दिल से एक्शन लेना चाहते हैं, पूरी तरीके से ये तैयार है एक्शन लेने के लिए, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अगर ये एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या होगा। सॉरी
आप किसी टॉरस वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो भी हो सकता है। देखो एक्शन लेने की जब बात आ रहा है ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत कुछ सोच लेते हैं लोग, लेकिन जब करने की बारी आता है ना तब थोड़ा सा खुद को चेंज कर लेते हैं सोच में। एक्शन तो ये डेफिनेटली लेगा, जो रिश्ता स्टक हो गया था इस रिश्ते में मूवमेंट आएगी। लेकिन एक चीज़ है, सन का कार्ड आया है वो रिवर्स में आया है। रिवर्स का मतलब मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, रिवर्स में आया है। हर्मिट का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। हर्मिट के कार्ड और क्वीन ऑफ सोर्स और सन के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि बंदा या बंदी एक्शन तो लेंगे। जितना जल्दी आप सोच रहे हो, जितना जल्दी मैं सोच रही थी उतना जल्दी ना भी लिया तो लेंगे एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस आप लोगों के रिश्ते में होने जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ स्टक में इसमें चला गया था, रुक गया था, तभी तो ये नो कांटेक्ट का रीडिंग है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, तो उसमें परिवर्तन आएगी लेकिन थोड़ी सी वक्त लगेगी। ये बंदा या बंदे जो भी हैं बहुत ज़्यादा अभी अपने आप से लड़ रहा है कि मैंने गलत किया। अच्छा अभी अगर मैं पहले जाऊंगा बात करूंगा तो क्या ये सही होगा, अगर मैं चला भी गया सामने वाला मुझे क्या सोचेगा, तो ये चीज़ों को पहले भांपेगा, मतलब सोचेगा, अपने दिमाग में इन चीज़ों को रखेगा, फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि उनको ये लगता है कि जो भी बंदा या बंदी पहल करता है वो उनकी जो ज़रूरत है ये ऑपोजिट वालों से ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो एक उसके बिना रह नहीं पाते, ऐसी सोच ही रखता है। क्योंकि ये जिसके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके साथ बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत मतलब धक्का खाया हुआ बंदा है, तो ये जो है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आया, अभी ये किसी का परवाह नहीं करता है, भाई तू मेरे साथ रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे, चले जाए। ये लियो आपकी भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि आप भी फिलहाल लियो जो खुद है वो इसी एनर्जी में आजकल चल रहा है। तो ये जो पर्सन है अभी बहुत फूंक फूंक के कदम उठाएगा, इच्छा तो बहुत है मन में, रो रहा है, परेशान है, नींद हराम है, लेकिन फिर भी ये पूरे तरीके से सोच समझ के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हर्मिट का कार्ड आया है और बहुत वक्त लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेजर चेंजेस जरूर होगा। और जिनका ये कार्ड आ रहा है, मतलब जिनके साथ ये रीडिंग मैच कर रहा है, वो रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब एक दो महीने, एक साल दो साल के रिश्ते नहीं है, ये पुराने रिश्ते हैं। और कार्मिक रिलेशन भी है कुछ लोगों की, क्योंकि कर्मा रिलीज करने के लिए बार बार रिश्ते में जुड़ रहे हैं, फिर से अलग हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उन लोगों का पिछले जन्म का पेंडिंग जो कर्मा है वही रिलीज करने आए हैं। तो ये कोई नया रिश्ता नहीं है कि आए गए चले गए, नहीं, ये पुराना रिश्ता है और ये ऐसा होगा, होते होते कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लियो खुद की एनर्जी आजकल जो रख रहे हैं लियो, वो बहुत स्टक एनर्जी, बहुत सख्त एनर्जी में लियो है, और कॉम्प्रोमाइज़ और परेशानी नहीं चाहते। एक बात और है, जिनके साथ आपका रिश्ता है लियो, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, कि आपको स्टॉकिंग करता है ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, साथ ही साथ ये आपके तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाएगा, दिखाई दे रहा है, आ रहा है, लेकिन पहले जिस तरीके से आता था उस तरीके से नहीं आएंगे। क्योंकि लियो आप खुद भी बदल चुके हो, तो जैसे आप हो, लियो कोई ऐरे गहरे नथु गहरे से तो रिश्ता नहीं रखता है, तो जिससे भी रिश्ता कर रहे हो, कर चुके हो आप, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, आपकी चाल को पर के पीछे पीछे वैसा ही आएगा जैसे पहले था, उससे और चेंज होके ये बंदा आ रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस लियो आपके लिए क्या है। इफ यू बिलीव, लुक फॉर अ साइन, आपको सिंक्रोनसिस, कोई ऐसी चीजें दिखाई दे सकता है जो यूनिवर्स आपको ये संकेत दे दे
कि जो आप सोच रहे हो करने के लिए वो करना है या नहीं है. लिसन टू योर इंट्यूशन. दिस इज मोस्ट 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 पावरफुल कार्ड है. लियो हमेशा अपना इंट्यूशन का ही सुनता है, फिर भी यूनिवर्स बोल रहा है इफ़ यू बिलीव लुक फॉर अ साइन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. अगर आप मानते हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, तो देन यू डू इट. और ये जो है लुक फॉर अ साइन, अच्छा मैं ये जो सोच रही हूँ ये सही है या गलत है, तो आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो. यूनिवर्स आपको कोई संकेत दे देगा, कोई फेदर का गिरना, कोई सिंक्रोनाइसिस को का दिखाई देना, कुछ डिवाइन कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने करेगा, आपके सामने आ जाएगा, जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या गलत है. तीसरी जो कार्ड आया है ये बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, इंट्यूशन मांगनी पड़ेगी. हमेशा ऐसा नहीं कि अरे मुझे तो कोई इंट्यूशन हो ही नहीं रहा है. नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा. आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी. जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि फिलहाल इस रिश्ते में इस तरीके से चलना है, ये करना है, इनको बिलीव करना है, ना करना है, तो आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए.